नमस्कार जी, हूँ जी मनीषा शर्मा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम नेम बी जर्नलिज्म, कोर्स नेम रेडियो जर्नलिज्म। टुडे आई विल टेक द सेशन ऑन राइटिंग फॉर रेडियो प्रोग्राम। राइटिंग फॉर रेडियो, द बेसिक गुड राइटिंग इज गुड राइटिंग whether you are writing for radio, print, TV or the internet or lot of the same basic supply. देखिए, जब भी आप किसी चीज़ के लिए लिख रहे हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, जो बेसिक्स हैं जो अप्लाई करने हैं वो सबके सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि रेडियो के लिए जब आप लिख रहे हैं तब आपको क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है, या प्रिंट के लिए आप जब लिख रहे हैं तब आपको क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी जो है वो आपको होनी चाहिए कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं उसके बारे में आप क्लियर हो। तो क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर थॉट्स एंड थिंग्स एंड अ वोकैबुलरी दैट योर लिसनर्स, रीडर्स, व्यूअर्स विल अंडरस्टैंड आर ऑल इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप जिस भी लैंग्वेज का यूज़ करें, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो थीम है, आपकी जो वोकैबुलरी है, वो आपके लिसनर्स को समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए है, तो ऑडियंस इस चीज़ को समझ पाए। हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो, तो आप ऐसे शब्दों का चयन करें अपने शो में जिससे कि आम लोग नहीं जानते। तो उससे क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, और मतलब वो इतने हार्ड वर्ड होंगे कि लोग आपकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आसान शब्दों का इस्तेमाल करें और चीज़ों को कंसाइज फॉर्म में सोल्व करने की कोशिश करें। बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर स्पेसिफिक टू द मीडियम ऑफ रेडियो बिकॉज इट्स यूनिक नेचर। अनलाइक प्रिंट, रेडियो लिसनर्स कांट गो बैक टू द पास्ट दे हैव मिस्ड। It has to be clear the first time because there is no second chance. अब क्या होता है कि जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर तो आपके पास एक बार पहुंच गया तो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आपने उसको दोबारा देख लिया या आपने उसकी कटिंग संभाल के रखी। लेकिन रेडियो शोज़ में ऐसा नहीं होता। आपका मैसेज जो है वो एक ही बार ब्रॉडकास्ट होगा और वो एक ही बार में लोगों की समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि रेडियो में सेकंड चांस जो है वो नहीं मिलता। अनलाइक टीवी देर आर नो पिक्चर्स टू रेनफोर्स योर वर्ड्स। टीवी में क्या होता है, अगर आपने कोई चीज़ बोल दी तो उस चीज़ को समझाने के लिए साथ में पिक्चर्स भी चल गई, लेकिन रेडियो में जो है पिक्चर्स साथ में नहीं चल रही। यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, और शब्दों के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें जो है वो समझानी पड़ती है। दैट मीन्स योर स्क्रिप्ट हैज़ टू बी ऑन द डिस्क्राइबिंग, यानी कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वैसी होनी चाहिए जो हर एक चीज़ को समझा रही है। इट ऑल्सो हैज़ टू ग्रैब द लिसनर्स अटेंशन, वो लोगों की अटेंशन को भी अपनी तरफ खींचे। यू कांट बैक इनटू द मेन पॉइंट, आप दोबारा से पहले वाले पॉइंट पर नहीं जा सकते। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों में क्लैरिटी है और चीज़ें जो है डिस्क्राइब्ड वे में है। रेडियो इज अ पर्सन, यू आर टॉकिंग टू वन पर्सन एट अ टाइम। रेडियो जो है उसके जो शोज होते हैं वो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे वो शो आप ही के लिए बज रहा है। मान लीजिए आपने मेरे लिए कोई शो डिजाइन करा है, तो मतलब पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी जो है उसमें होनी चाहिए। या स्क्रिप्ट कांट बी जस्ट रीड, आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सुबह रीड कर रहे हैं। इट हैज़ टू बी परफॉर्म, वो स्क्रिप्ट होनी चाहिए ताकि जब आप उसको पढ़ें तो ऐसा लगे कि कोई चीज़ों को पढ़ नहीं रहा, चीज़ों को बता रहा है, परफॉर्म कर रहा है। रेडियो राइटिंग हैज़ टू बी टाइटन क्लियर एंड अबव ऑल इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक, जब तक की चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं होंगी तब तक की वो अच्छी ही नहीं लगेंगी। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
का पूरा जो भी आपने शो लिखा है वो इंटरेस्टिंग है। देखिए बेटिया, इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो डिप्रेशन के रिगार्डिंग, तो आप जो है लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। और जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे तब ये जितनी भी बातें हैं हम इनको अप्लाई करेंगे जब हम वीडियो शो बनाएंगे। थैंक यू।